इस सेक्शन में हम सीखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म्स। इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं उनको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके जो कोएफिशिएंट्स है कांस्टेंट है, इसलिए इसको कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाले लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। मैक्सिमम डेरिवेटिव का जो पावर है वो 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन। और क्योंकि ये मैक्सिमम डेरिवेटिव nth ऑर्डर का है, इसलिए इसका ऑर्डर भी n है, तो ये nth ऑर्डर का भी इक्वेशन बोलते हैं इसको। a नॉट, a1, a2, an, यहाँ पर ये सारे कांस्टेंट्स हैं। और q x का फंक्शन है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम d बाय dx को d मान लेते हैं, तो d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर d स्क्वायर हो जाएगा, और nth डेरिवेटिव इस पावर n बाय dx पावर n को हम d पावर n लिख सकते हैं। अगर ये सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में हम डाल देते हैं तो हमें मिलेगा, सारे वैल्यूज को डालने के बाद इस इक्वेशन में हमें ये मिल गया। यहाँ से आप y कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये वैल्यूज हैं ये फंक्शन ऑफ d हैं, सारे d के फंक्शन हैं। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं f ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू। ये सारे जो वैल्यूज हैं ये f ऑफ d, ये d के फंक्शन हैं, तो इनको हम f ऑफ d लिख सकते हैं, इनको हम f ऑफ d लिख सकते हैं, इसलिए हम इस इक्वेशन को f ऑफ d y इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं। तो जो ये इक्वेशन है f ऑफ d y इक्वल टू क्यू, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो दो पार्ट में आता है। उसका सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें दो पार्ट में मिलता है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो पार्ट वन को हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं एंड पार्ट टू को पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो जो सी एफ है इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना भी सीखेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना सीखेंगे एक एक करके, और दोनों को निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा इस इक्वेशन का। तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल लेके हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि निकालते कैसे हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्यू एक्स का फंक्शन है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, क्योंकि जो सारे कोएफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट्स हैं। जो ऑर्डर है इसका 2 है, और मैक्सिमम ऑर्डर का जो डिग्री है वो 1 है। ये 1 है इसका डिग्री, इसका पावर 1 है, इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। यहाँ पर d बाय डी एक्स को अगर हम d लिख दें और डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर लिख दें तो हमें मिलेगा ये डी स्क्वायर वाई प्लस टू डी वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर प्लस टू डी माइनस थ्री वाई इक्वल टू क्यू। ये है f ऑफ d और ये y है इक्वल टू क्यू। तो अगर f ऑफ d को हम जीरो करते हैं तो इसी को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ y को हम जीरो करके ही ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस टू डी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, लेट डी इक्वल टू एम, डी की जगह हम m की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा एम स्क्वायर प्लस टू एम माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स m1 एंड m2 आएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स होंगे और उसको रूट को हम m1 एंड m2 मान लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हमें रूट पता चल जाएंगे। तो जब m प्लस थ्री जीरो करेंगे तो m की वैल्यू माइनस थ्री मिलेगी, और जब m माइनस वन को जीरो करेंगे तो m की वैल्यू हमें वन मिल जाएगी। तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के दो रूट्स मिल गए m1 एंड m2। तो m1 हम माइनस थ्री को मान लेते हैं एंड m2 हम 1 को मान लेते हैं। ये रूट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं। हमने d को m माना था इसलिए d की वैल्यूज है। तो d1 इक्वल टू माइनस थ्री एंड d2 की वैल्यू 1 है। जो हमारा मेन इक्वेशन था वो क्या था, f ऑफ d y इक्वल टू q, और f ऑफ d हमारा था d स्क्वायर प्लस टू डी माइनस थ्री y इक्वल टू q। इस इक्वेशन में अगर हम q को जीरो करके सॉल्व करते हैं तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है, और q को इंक्लूड करके जब हम दोबारा सॉल्व करते हैं तो हमें पर्टिकुलर फंक्शन मिलता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलता है, और दोनों को ऐड करके हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं डी स्क्वायर प्लस टू डी माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो। डी वन डी टू की वैल्यू माइनस थ्री एंड वन है, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं डी प्लस थ्री एंड डी माइनस वन वाई इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है, और बाद में हम q को इंक्लूड करके जो सॉल्व करेंगे तो उससे पर्टिकुलर फंक्शन निकाल लेंगे, वो हम बाद में देखेंगे कि पर्टिकुलर फंक्शन
और पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं। तो पहले अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो अगर ये इक्वेशन जीरो है तो डी प्लस थ्री इंटू वाई भी जीरो होगा एंड डी माइनस वन इंटू वाई भी जीरो होगा। हम अभी इसको अलग से सॉल्व करेंगे और इसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो इसको इसमें वाई मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा डी वाई प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो। और डी क्या था, डी बाई डी एक्स, तो डी डाल देते हैं तो डी बाय डी एक्स वाई प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो। ये लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन बन गया हमारा, ये पी की वैल्यू है। ये इक्वेशन लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जिसमें पी की वैल्यू थ्री है एंड क्यू की वैल्यू जीरो है। तो इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू आई इक्वल टू क्यू इंटू आई डी एक्स प्लस सी वन, एक कॉन्स्टेंट सी। ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर p की वैल्यू 3 है और q की वैल्यू 0 है और i यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू पावर p डी एक्स। तो ये निकाल लेंगे e टू पावर 3 डी एक्स इक्वल टू e टू पावर 3x। तो i की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो y इंटू इक्वल 3x इक्वल टू q की वैल्यू 0 है 0 प्लस सी वन। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई सी वन बाई e टू पावर 3x और सी वन इंटू ए की पावर माइनस थ्री एक्स। तो इसको हम वाई वन मान लेते हैं, वाई वन फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया एक पावर माइनस थ्री एक्स। सिमिलरली सेकेंड केस में भी हम वाई मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा डी वाई माइनस वाई इक्वल टू जीरो। डी की वैल्यू पुट कर देते हैं वो होता है डी बाई डी एक्स टू वाई माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ये भी लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर पी की वैल्यू माइनस वन है, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा वाई इंटू आई इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई डी एक्स प्लस C2, एक कांस्टेंट C2 यहाँ पर ऐड कर लेते हैं क्योंकि वैल्यू जीरो है। यहाँ पर I यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो I हो जाएगा इट पावर P dx, P की वैल्यू माइनस वन है तो माइनस dx हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी इट पावर माइनस एक्स। तो I वैल्यू यहाँ डाल देते हैं तो y इंटू इट पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्योंकि वैल्यू जीरो है तो जीरो हो जाएगा प्लस C2। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी C2 बाय इट पावर माइनस एक्स और C2 इंटू इट पावर एक्स। इस सॉल्यूशन को हम y2 मान लेते हैं, वो हो जाएगा C2 इंटू इट पावर एक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा y1 प्लस y2, c1 e पावर माइनस 3x y1 है और y2 है c2 e पावर x। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया c1 e पावर माइनस 3x प्लस c2 e की पावर x। आप ये देख सकते हैं कि ये माइनस 3 जो है ये m1 की वैल्यू है जो हमने पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन से निकाला था और ये 1 है यहाँ पर और ये m2 की वैल्यू है। तो पिछले स्टेप्स में हमने इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व किया था तो हमें m1 और m2 की वैल्यू माइनस थ्री एंड वन मिला था। तो माइनस थ्री की जगह हमने m1 डाल दिया एंड वन की जगह हमने m2 डाल दिया इस सॉल्यूशन में। ये m1 है ये m2 है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा m1 एंड m2 के टर्म में c1 a की पावर m1x प्लस c2 a की पावर m2x। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। अगर हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के कई सारे रूट्स मिलते हैं, अभी तो यहाँ हमें m1 एंड m2 केवल मिले हैं, पर अगर कई सारे रूट्स मिलते हैं m1, m2, m3, m4 एक्सेट्रा, तो हम इसको जनरलाइज करके लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है c1 एक पावर m1x प्लस c2 एक पावर m2x प्लस c3 एक पावर m3x एंड सो ऑन। अगर n रूट्स हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के तो हम लिख सकते हैं nth रूट को cn एक पावर mnx, ये nth रूट है। तो ये जनरल फॉर्म है, इसी को अगर हम जनरलाइज करते हो तो ये मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, उसके रूट्स निकालिए और m1, m2, m3, m1 की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो आपको डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर m1, m2, m3 एक्सेट्रा ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं। इस इक्वेशन को आप याद रख लीजिए, ये बहुत काम आएगा और ये तभी वैलिड है जब m1, m2, m3 सारे डिफरेंट हैं। सेम भी हैं फिर भी वैलिड है, पर ये उस केस का है जब m1, m2, m3 सारे रूट्स डिफरेंट हैं। तो अगर सारे रूट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन के डिफरेंट हैं m1, m2, m3 तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए। पर ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें दो रूट्स इक्वल हो जाएं, m1, m2 इक्वल हो जाएं या फिर m2, m3 इक्वल हो जाएं एक्सेट्रा, तो उसके लिए हम डिफरेंट केस देखते हैं। तो अगला केस देखते हैं, अगर दो रूट m1 और m2 इक्वल हो गए तो क्या इक्वेशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। अगर दो रूट्स इक्वल हो गए से m1 इक्वल टू m2 तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन हो जाएगा
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1x plus c2 e के पावर m1x plus c3 e के पावर m3x and so on। तो अगर दो रूट्स इक्वल हैं m1 एंड m2 तो ये m1 m2 के लिए ये टर्म हो गया c1x plus c2 into e पावर m1x क्योंकि m1 और m2 इक्वल है और बाकी सेम होंगे थर्ड टर्म से सारे सेम होंगे। और अगर तीन रूट्स इक्वल हो गए तो क्या होगा? अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के तीन रूट्स इक्वल हो गए से m1 m2 और m3 तीनों इक्वल है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। तो अगर तीन रूट्स इक्वल हो गए ऑक्सिलरी इक्वेशन के तो तीनों रूट मिला के हम ये लिखेंगे c1x2 plus c2x plus c3 into e पावर m1x यहाँ पर m1 equal to m2 equal to m3 तीनों रूट्स के लिए ये टर्म हो गया, बाकी फोर्थ रूट के लिए और उसके आगे रूट्स के लिए सेम है। और अगर एक पेयर ऑफ रूट इमेजिनरी हो गया तो क्या होगा? अगर वन पेयर ऑफ रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर m1 अल्फा प्लस आई बीटा है तो उसका कॉन्जुगेट होगा m2 अल्फा माइनस आई बीटा। तो अगर एक पेयर ऑफ रूट्स इमेजिनरी है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। तो अगर m1 अल्फा प्लस आई बीटा है तो m1 की जगह अल्फा प्लस आई बीटा डाल देंगे और m2 की जगह अल्फा माइनस आई बीटा डाल देंगे, बाकी m3 के बाद सारे सेम है। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का फर्स्ट तरीका हो गया अगर दो रूट्स इमेजिनरी हैं तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया। पर अगर इसको सिंप्लीफाई करें और ये फॉर्मूला लगाएं e के पावर आई थीटा होता है कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा वेयर आई एक इमेजिनरी नंबर है, इसको सिंप्लीफाई करके e के पावर आई थीटा की जगह कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दें तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। इसको अदर फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। ये हमारा सेकंड फॉर्म हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का सेकंड फॉर्म हो गया अगर दो रूट्स इमेजिनरी हैं तो, मतलब m1 m2 एक पेयर ऑफ रूट्स हैं जो इमेजिनरी हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। पर अगर दो पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स इक्वल हो जाएं तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं? अगर दो पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स इक्वल हो जाते हैं से m1 m2 अल्फा प्लस आई बीटा है और m3 m4 अल्फा माइनस आई बीटा है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन हो जाएगा। तो अगर दो पेयर्स ऑफ रूट इक्वल हो जाते हैं से m1 इक्वल टू m2 इज अल्फा प्लस आई बीटा एंड m3 इक्वल टू m4 इज अल्फा माइनस आई बीटा, तो यहाँ पर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पर अगर दो पेयर्स ऑफ इमेजिनरी रूट इक्वल हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरह से निकालेंगे। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए।